बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीजी क्लास, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? अच्छा बेटा, आज हम कल हमने दोहराई की थी, आज हम उससे आगे अलिफ से लेकर खे तक हमने कर लिया था। आज उससे अगला हरफ दाल का, दाल की लिखाई वो लिखना सीखेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा उन्वान है हरफ की लिखाई दाल। जी क्या है दाल? दाल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दाल दा दरवाज़ा, दाल दा दवात, दाल दा दरख्त, दाल दा दिल और दाल दा दाल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बनती। लेट्स सी कि हम दाल को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ऊपर से हमने थोड़ा सा राउंड शेप लाकर और लाइन पर लाकर जैसे झटके से छोड़ दिया दाल। ये क्या है? दाल। एक मतबा फिर देखें आप, राउंड हल्का सा लाकर लाइन के ऊपर छोड़ दें दाल। अब इसको अगर हम डॉटेड फॉर्म में लिखें तो फिर हम ऐसे 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 लाकर, तो उसको भी हम ऐसे लिखते हैं दाल और लाइन पर लाकर झटके से छोड़ दें दाल। दाल क्या है ये लफ्ज़? दाल, दाल द। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट हैं, दुकान, दस्ताना, बिल्ली। अब आपने इसमें से दाल से कौन कौन सी जो है पिक्चर बन रही है, आपने उनको सर्कल करना है। दाल द दुकान बनता है, यस। तो इसको आप सर्कल कर लें राउंड शेप में, ऐसे लाकर ऐसे लाकर ऐसे ऐसे। दस्ताना ये भी बनता है, ये देखिए दाल ये है तो दस्ताने को भी सर्कल कर लेंगे। बिल्ली, बिल्ली में दाल है नहीं, तो दाल दा दस्ताना, दाल दा दुकान। अब आपने खुद से सोचना है कि दाल से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं और वह आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपनी कॉपीज़ पर इनको अच्छे से लिखना है आपने और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।